हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम साफा सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम जानेंगे तो ये जो कंपनी है ये 2012 में एस्टेब्लिश हुई थी, तो यानी कि 9 ईयर्स इस कंपनी को हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट को, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, एलईडी टीवीज, होम अप्लायंसेस और उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। तो देखिए, यहाँ पर इनकी खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जैसे कि MI हो गया, ओप्पो हो गया, टेक्नो हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, वन प्लस हो गया। तो इन कंपनीज के जो पार्टी, यानी कि एक तरीके से जो थर्ड पार्टी कंपनीज होती है उनके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का ये कंपनी काम करती है। और ये जो कंपनी है ये B2B मॉडल में काम करती है, यानी कि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं ये बिजनेस से लेते हैं और बिजनेस को ही सेल करते हैं। तो बीच में एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि बीच में एक ये डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि यहाँ पर प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इनके स्ट्रिक्टली जो इनके क्वालिटी के रेगुलेशंस हैं, और इसीलिए अगर हम देखेंगे तो इन्हें ISO 9001:2015 का इन्हें अवार्ड भी मिला है, क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है वो इन्होंने वो सर्टिफिकेट के लिए इन्हें यहाँ पे अवार्ड मिला है। अभी इन्होंने करंटली अगर हम देखेंगे तो इन्होंने मुंबई में भी अपना एक ऑफिस लिया है, क्योंकि ये अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं और उसके अलावा ये और भी आने वाले टाइम पे और भी सिटीज़ में अपने ऑफिसेज को ओपन करेंगे। तो देखा जाए तो अभी केरला में प्रेजेंस है, मुंबई में ओपन कर लिया, तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रेजेंस बढ़ेगा तो वहाँ पे कंपनी का अगर हम देखेंगे तो रेवेन्यू के नंबर्स वहाँ पे और भी इम्प्रूव होते चले जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी की कंपिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेबिलिटी है उसके अलावा जो मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कब से 9 साल से वो काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम देखेंगे ये जो इंडस्ट्री है, जो ये पूरी मोबाइल ब्रांड्स वाली जो इंडस्ट्री है, पिछले 8-9 साल से ही इम्प्रूव हुई है। तो ये अगर देखा जाए तो कंपनी जब एस्टेब्लिश हुई है तो एक अच्छे टाइम पर एस्टेब्लिश हुई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम होता है और उस प्रॉब्लम को यहाँ पे ये सॉल्व कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब अगर हम बात करेंगे तो इनके कस्टमर्स और सप्लायर्स के साथ इनकी रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी है, तो वो डायरेक्ट इनको ही कॉन्टैक्ट करते हैं और इनसे ही वो प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं। अब अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो राइट सप्लाई और प्राइसिंग वगैरह, तो अच्छा मार्जिन इन्हें मिल जाता है, ऐसा कंपनी का मानना है। तो यहाँ पर ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कंपनी ने ऐसा बोला है कि जो ये नए ऑफिसेज जो ओपन कर रहे हैं तो वहाँ पे उसकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कंपनी को फुलफिल करनी है और थोड़े बहुत जो कैश रिक्वायरमेंट होती है वो कंपनी को यहाँ पे फुलफिल करनी है। और जो कंपनी के आईपीओ का इश्यू एक्सपेंस है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो यहाँ पे भी 2 से 3 करोड़ का एक्सपेंस होता है, जो कि एक्सचेंज को देना पड़ता है। आपके जो शेयर डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होते हैं उसका भी एक्सपेंस लगता है, तो वो भी कंपनी इस आईपीओ के पैसे से ही देने वाली है। तो अब अगर हम यहाँ पे फिनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो 208 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया था। तो देखा जाए तो हमें रेवेन्यू को नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कोविड वाला ईयर था तो यहाँ पे थोड़े से इम्पैक्ट पड़े थे। लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो अभी 6 महीने में कंपनी ने 145 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है। तो अगर इतना रेवेन्यू भी कंपनी जनरेट करती है तो लगभग 290 करोड़ का ये रेवेन्यू का नंबर होता है, और लगभग प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम देखेंगे तो अभी 2.73 मिलियन से, तो यानी कि लगभग 27 लाख रुपये का भी कंपनी का प्रॉफिट है। तो साल के एंडिंग में लगभग 55 लाख का यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है। तो देखिए, जितना कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, लगभग 300 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है और वहाँ पे 1 करोड़ का भी कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन ये दिखाता है हमें कि काफ़ी कम है। तो यही मेरे ख्याल से मार्केट को अच्छा नहीं लगेगा। अब अगर हम प्रमोटर्स की बात करेंगे तो फैजल बवर प्रम्बिल और अब्दुल खदेर और मिस्टर बवर प्रम्बिल एंड अब्दुल खदेर, ये कंपनी के प्रमोटर्स हमें नज़र आते हैं।
तो यहाँ पे ये जो आईपीओ है 28 जनवरी को ओपन हो जाएगा और 1 फरवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। जिस दिन बजट है उस दिन ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। तो 10 रुपये का यहाँ पे एक शेयर का प्राइस है और 10,000 शेयर्स का यहाँ पे लॉट है, तो यानी कि लगभग 1,00,000 रुपये आपको लगेंगे अगर आपको एक लॉट के लिए अप्लाई करना है और सिर्फ 4 करोड़ का यहाँ पे इश्यू साइज है, तो बहुत ही छोटा आईपीओ है। क्योंकि आप देख सकते हैं 1,00,000 में से अगर सिर्फ अगर 400 जने इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे 4 करोड़ का सब्सक्रिप्शन हो जाएगा और ये BSE SME पे लिस्ट होगा। अधिकतर मैंने देखा है कि जो आईपीओ BSE के SME प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होते हैं तो इतना रिस्पांस नहीं मिलता है, अधिकतर जो NSE के SME प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होते हैं तो उन्हें मार्केट काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे लिख लिया हुआ नहीं है कि कब ये लिस्ट होगा, लेकिन 1 फरवरी को क्लोज होगा, तो ये मान के चलिए कि 7 से 8 फरवरी के लगभग ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसके अंदर आपको 2,00,000 रुपये लगेंगे। अगर आपको इससे ऊपर की एप्लीकेशन लगानी है तो आप रिटेल कोटा के अलावा HNI कोटा भी इसके अंदर होता है, तो उसके अंदर आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी है इसका जो आईपीओ है और जिस तरीके का देखिए 300 करोड़ के रेवेन्यू के ऊपर अगर कंपनी 1 करोड़ का पूरा नेट प्रॉफिट भी जनरेट नहीं कर पा रही है तो ये काफ़ी बुरा मार्जिन है, तो बहुत ही नी के बराबर हार्डली अगर हम देखेंगे तो 0.2 या 0.3% का मार्जिन है। तो देखिए 100 रुपये के ऊपर 1 रुपया भी अगर कंपनी नहीं कमा पा रही है तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू मुझे नज़र आता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से इसके अलावा जो मेन बोर्ड में अडानी विलमार का भी उस टाइम पे आईपीओ रहने वाला है, मेरे ख्याल से उस आईपीओ में आपने अप्लाई करना चाहिए। अभी के लिए ये जो SME आईपीओ मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। मुझे फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन हाँ अगर सब्सक्रिप्शन डेटा अगर हम देखेंगे 1 तारीख का लास्ट डेट है, तो अगर 1 तारीख को सुबह 10-11 बजे तक अगर ये जो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन डेटा है वो अगर कम से कम 15 से 20 टाइम अगर सब्सक्राइब हो जाता है तो मेरे ख्याल से आपने एक तरीके से इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि साफा सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।